नमस्कार, मैं पिंटू सिंगयादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर आए होंगे या फिर आप हमारे टाइटल को देखकर आए होंगे कि हमारा चैनल जो था वो रिजेक्ट हो गया है। मतलब कि जो हमने मोनेटाइजेशन के लिए अपना चैनल अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो चुका है। पहले आप तो हमारे इस रिजेक्शन को देख लीजिए कि क्या आखिरकार मेल आया है, क्या हमारी वीडियोस थी और क्या ऐसी सारी चीजें थी जिसके चलते हमारा चैनल रिजेक्ट हो गया है, और फिर जो है एक महीने के बाद हम जो है रीअप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप जो है एज एविडेंस के तौर पर देख लें कि हमारा चैनल किस तरीके से जो है मोनेटाइजेशन के लिए जब मैं अप्लाई किया था तो वो रिजेक्ट हो गया, तो पहले ये देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि एक चैनल है जिसपे कि बस दो वीडियोस है और मेन जो वीडियोस थीम है वो एक है, और उसके चलते जो है हमने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे कंप्लीट कर लिए थे। मैं आपको दिखा भी दूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एनालिटिक दिख रहा है। यहाँ पर मैं इस वीडियोज़ पे खोलता हूँ जिस वीडियो पे व्यूअर आया है, इस वीडियो का एनालिटिक मैं चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसी वीडियो पर मैं अगर लाइव फ्रेम अपलोड देखता हूँ तो यहाँ पे देखें 7.1 आवर्स जो है इस पर आपका वॉच टाइम मिला हुआ है। वहीं अगर मैं सब्सक्राइबर्स की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1.3K जो है इस पर सब्सक्राइबर्स मिला हुआ, यानी कि एक वीडियो पर ही सारा कांड हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी किया था। यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था तो आप देख सकते हैं कि योर चैनल वॉज नॉट एक्सेप्टेड फॉर द मोनेटाइजेशन आफ्टर रिव्यूइंग योर अप्लीकेशन वी फाउंड दैट योर चैनल स्टिल डज नॉट फॉलो ऑल ऑफ यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी, व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, रिव्यू योर फीडबैक, आवर रिव्यूअर्स फाउंड दैट योर चैनल कंटेन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि रीयूज कॉन्टेंट जो है ना वहाँ पर मिला हुआ है। ओके, चैनल यूजेस समवन एल्स कंटेंट्स विदाउट मेकिंग चेंजेस दैट सिग्निफिकेंट वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी पॉलिसी है कि आप रीयूज्ड कंटेंट यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो मिला है इस पे क्या है कि रीयूज्ड कंटेंट उनको मिला हुआ है, उन्होंने जो ये किया है। इसके बाद आपको जो है 10 अप्रैल को चांस मिलेगा, यानी कि एक महीने बाद चांस मिलता है रीअप्लाई करने का सारा चीज़ सुधारने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये किसी और का कंटेंट है, ये तो किसी और का कंटेंट ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये टीवी का कोई कंटेंट है, तो टीवी का कंटेंट अगर कोई यूज़ किया है तो ऑब्वियसली उसको दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर जो है मैसेज आया है कि योर चैनल इज नॉट अप्रूव्ड फॉर द यूट्यूब चैनल पार्टनर प्रोग्राम, लर्न हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रीयूज्ड कंटेंट है, बेसिकली किसी और का कंटेंट है इसके बाद इस्तेमाल हुआ है, तो आपको फिर इसलिए जो है ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ओके, तो दोस्तों देख लिया आपने ना, इस तरीके से जो है हमारा चैनल अगर मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था तो ये रिजेक्ट कर दिया गया। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे आइडिया था जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैं पहले ही सोच कर बैठ गया था कि ये चैनल का जो मोनेटाइजेशन के लिए जो मैंने अप्लाई किया है उसमें लगभग 99% चांसेस है कि ये नहीं होगा, एंड आई होप दैट कि 1% कि हाँ इट मे बी ये हो सकता है। अब मैं बताता हूं कि इसमें गड़बड़ी क्या थी, क्या समस्या थी जिसकी वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो है इस चैनल पर बस एक वीडियो अपलोड किया था, और एक ही वीडियो से हमने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे जो है वो कंप्लीट कर लिए थे, जो कि काफी ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। और इम्पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि एक वीडियो से ही आप जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी बात होती है, और वैसा कोई काम अगर करता है तो एक बहुत बड़े फेमस लोग ही कर पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि हमने जो वीडियोस अपलोड किया था वो वीडियो हमारा खुद का नहीं था, यानी कि जो वीडियो था वो ओरिजिनल वीडियो नहीं था, वो किसी और का वीडियो था। होता क्या है कि किसी और का वीडियो भी इंप्लीमेंट करते हैं, किसी और के वीडियोस को भी डालते हैं, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है या फिर डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, लेकिन उस वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं था, लेकिन वो वीडियो किसी और का था, यानी कि इनफॉर्म आप ये कह सकते हैं कि ये वीडियो जो है रीयूज्ड कॉन्टेंट था। तो पहला नंबर, चैनल पर एक वीडियो था, एक वीडियो से ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट कर लिया था। दूसरी चीज यह है कि वो रीयूज कंटेंट था, यानी किसी और का वीडियो था और उससे हमने कंप्लीट किया था, जिसमें मुझे अंदाजा था, मुझे लग रहा था कि ये पूरा का पूरा जो है मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसा ही मेल जो है 4-5 दिन बाद आया है कि आपका चैनल जो है वो कहीं ना कहीं मोनेटाइज नहीं होगा और आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को
रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप ये बात सुन लीजिए कि आप अगर मैं ओरिजिनल मेरा एक वीडियो रहता तो आई एम नॉट श्योर 100% श्योर कि वो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता, लेकिन वो रीयूज्ड कंटेंट था। तो इससे आपको ये मैसेज आता है कि आप अपने चैनल पर काम करते हैं, किसी और का वीडियो उठा के डाल देते हैं और आप 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं और आप उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो ऐसा कतई भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप ओरिजिनल कॉन्टेंट डालिए, अपना खुद का कॉन्टेंट डालिए, और अपना खुद का कॉन्टेंट डालेंगे तो I am sure and I am telling you 100% sure कि आप जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के बाद अपना कंटेंट पर अगर कंप्लीट कर अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आपको यह मैसेज देना था कि आप खुद का क्रिएटिविटी कीजिए, खुद का कंटेंट क्रिएट कीजिए। आप एक वीडियो से कंप्लीट किए या फिर दो वीडियो से कंप्लीट किए, डजंट मैटर, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और मेरा चैनल इसलिए मोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि ये वीडियो किसी और का था और उसी वीडियो से ही हमने सारा चीज कंप्लीट किया था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया है। बाकी ये जानकारी कैसी लगी आप सभी को, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।